वचन श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणादि कहें पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थाई वो कैसे मुझको मिले, कहें तत्श्रुति वो क्या है क्या है, तुम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें, मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। सद्गुरु भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरः है कि हम और आप विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य, ये उनके कर्म भूमि जन्म भूमि को बड़ा गांव ग्वालियर राज्य के उमरी नाम के गांव और बड़ा गांव, ये उनका जन्म स्थली और कर्म क्षेत्र जो है ये ओंकारेश्वर, जहां विद्यापीठ विज्ञानशाला के नाम से जानी जाती है। विद्यापीठ का निर्माण करके मानव मात्र के कल्याण हेतु इसको निर्माण करके हम आप सबको समर्पित किया और अपना कार्य संपन्न करके 1934 में ब्रह्म होते हुए और ब्रह्म में लीन हो गए। हम लोग कहते हैं इस पर व्यक्त और अव्यक्त होते रहना ये प्रकृति का नियम है। परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है, वो तो क्यों का क्यों रहता है। है जब धर्म में ग्लानि तब तुम अवतार लेते हो, नारायण रूप में नर देह तुम 10 बार लेते हो, अपने अस्तित्व का वै 24,000 युग में परमात्मा 10 बार नर देह में आते। ऋषि वामन परशुराम राम नवम बुद्ध अवतार और कलकी, ये उनके क्रम। और कुछ काल जाने के बाद हम इन्हीं लोगों को परमात्मा मान करके सही परमात्मा को विश्वरूप परमात्मा को भूल जाते हैं। तो जब जब धर्म में ग्लानि होती, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो वही परमात्मा मानव के शरीर लेकर के आता है, तो मानव के शरीर में उसको हमारे तुम्हारे जैसे खाने पीने चलने वाले समझ बैठे। तो इसको कोई कोई बिरला लोग पहचानते हैं महापुरुष को, सहज ही चले जगतपति स्वामी रामचंद्र जी अवतार होते हुए सहज चल रहे हैं, तो कौन जानेगा उसको। बहुत मुश्किल होता और अपने कार्यकाल में वो पता नहीं चलता। फांसी मत लगाओ कहीं जा करके, ऐसे समझ करके नवम बुद्ध अवतार बुद्धि के अवतार लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम्हें अवतारे दिव्य दृष्टि का। कौन से संख होगा? दिव्य दृष्टि का संख निनाद करे। दिव्य दृष्टि का जब संख होगा तो दिव्य दृष्टि क्या है? अणु में ही भाव है और भाव में ही अनु है ना। यत यत निंदे तत तत ब्रह्मांडे, जो यहाँ है वही वहां है, जो नीचे है वही ऊपर है, जो दाएं है वही बाएं है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, पर दिखाई को नहीं देता। जैसे जल के फल को क्या कहते हैं? मछली कहते हैं। वो जल का फल है तो
मछली है कि जल है मछली की बताओ तो तीन आ रहा है उसमें, मछली एक जल दो और जीवन तीन, तो तीन ही की एक। अरे हर पल जल ही जल है, वो मछली बन के जब चंचल हो गई तो हम लोग जड़ चेतन के चक्कर में पड़ गए। देखो परमात्मा जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है। अस्ति भाति प्रिय रूप का नजारा है, जो है स्वयं भूसाई उसी का पसारा है। नाना रूप रंग चरण और चरखानी, आप समेत गोविंद और बिरानी। नदी उजड़ है चेतन भी नहीं, न कहीं आया है और न जाए। कल्पना आईना में अपना ही प्रतिबिंब नाच रहा और अपने प्रतिबिंब को देख कर नाच रहा। एक अनेक हुआ, एक अनेक हुआ वृत्ति में वे शुद्ध है। अरे खुदा खुद है मगर मान लिया वे खुद है। अब तो अनाड़ियों की चाल मत चल प्यारे, आओ सत्संग में जाएगा भरम टल प्यारे। गीत गोविंद का गाना रे, गीत गोविंद का गाना। क्यों आ गया भाई आ गया, ओ कमली वाला आ गया बन के माया नंद मेरा। कौन आया है, आया है वो कौन है। आ गया भाई आ गया, दिल का उजाला आ गया बन के माया नंद मेरा। कमली माला आ गया, क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति, वही है बस काया बदल जाता है वो। और काया बदल गया तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है, और भ्रम में बेसुध होकर के जगदीश अलग है, जगत अलग है और जीव अलग है। तो अब ईमानदारी से बताओ कि ये जगत को जगदीश ने बनाया कि जगदीश ही जगत बना होगा। जगदीश ही जगत है, जगदीश ही जगत बना है, तब दिखेगा आपको कण कण में परमात्मा। और ये दृष्टि नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। आद्य शंकराचार्य ने क्या देखना, ध्यान करना नहीं है। ध्यान के लिए आंख न मुंडू, कान न मुंडू, काया कष्ट न धारू, उभरे नयन साहेब में हम। काय का ढूंढ करने की जरूरत है, काय को पाखन करने का जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है। पर आज संसार में क्या चल रहा है, घट घट में साई सब कहते, परगट में दिखाते कोई नहीं। गुरुता की गर्मी सब को चढ़ी, सत वस्तु लखाते कोई नहीं। तो भगवान उर्दू के सर्वांगों में कहते हैं, क्या कह रहे भगवान, मैंने पुराण शास्त्र वगैरह सभी पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी बेकरारी मेरे दिल की मिलती नहीं। इतनी नाम नहीं मुस्तकिल, वो कैसे मुझको मिले। कहे वह मामा क्या है, क्या है कम रहता कहा, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वहां कौन है, कैसे दिखाया जाता है। तो भगवान उत्तर दे रहा उसको, क्या कहते तत् त्वम और असी। तत् याने वह और त्वम याने तू और असी याने है। जिस परमात्मा को तू ढूंढ रहा है बंदे, वही परमात्मा तू है। खुदी का जब उठा माजरा, खुदी का जब उठा पर्दा, अजब ही माजरा देखा। और जिसे मैं बंदा समझा था उसी को तो खुदा देखा, क्योंकि यही खुदा है कि इधर खुदा है, ये खुद ही खुदा है, खुद ही खुदा है। मगर मैं समझा है तो हम क्या करें, आप तो बेसुधा हो गए हो, क्योंकि सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु जिस दिन मिल जाएगा ना, तो आपको तत्काल परमात्मा का दर्शन कराएगा। इसलिए संपरित होवे परित धर्मात्मा,
मोह है आत्मा, यहां पर त्रिपुटी है, आदमी मोहित है उसका नाम क्या है, मोह आत्मा, और जो उससे ज्यादा पहुंच गए वो क्या हो गए हैं, महात्मा, और उससे जो ज्यादा पहुंच गया वो हो गया परमात्मा। मोह आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ऐसा त्रिपुटी जिस दिन समझ में आएगा तो जीवात्मा भी वही है, आत्मा भी वही है और परमात्मा भी वही है, दृष्टा दर्शन दृश्य वही है, अलग से कोई नहीं है। ऐसा जिस दिन हमको समझ में आएगा तो सर्वांग योग समझ में आएगा भैया, सर्वांग योग का अधिकारी केवल मुमुक्षु है, ये ध्यान रख। और दूसरा जो आना चाहे तो उसको नहीं मिल पाएगा, जब तक के वो अधिकारी नहीं होगा तब तक के सर्वांग योग की बात उसको जमेगा नहीं। इसलिए मुमुक्षु होना जरूरी है। मुमुक्षु का मतलब मोक्षवान के, मोक्षवान अने मुक्ति चाहने वाला, मोक्ष की इच्छा वाला। तो मोक्ष नाम क्या है, मर जाना मोक्ष है, आत्महत्या कर लेना मोक्ष है, अरे भ्रम से निकल जाना मोक्ष है, एक भी भ्रम नहीं रहना, ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से, तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो भगवान ने बताया भैया बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, बतासे रख कर ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर आप लोग बताओ ये क्या बना है, इसका नाम क्या है, मिश्री, इसके बाप का नाम क्या है, गन्ना, शक्कर, हाँ शक्कर, शक्कर के बाप का नाम क्या है, गन्ना, अरे गुड़, अच्छा, और गुड़ के बाप का नाम क्या है, रस, और रस के बाप का नाम क्या है, गन्ना, गन्ना, और गन्ना के बाप का नाम क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी है, हाँ तत्व आ गए तत्व में, तो ये मिश्री दिखना चाहिए कि तत्व दिखना चाहिए, तत्व, तत्व, यही भूल होना है वकील साहब, हम मिश्री कह कह करके नाम रूप और उपाधि आदि व्याधि उपाधि के लिए जिसके कारण समाधि नहीं लग पा रहा है, ये तत्व से ही बना है, ये तत्व ही है। तो सतगुरु कौन सा नजर देते हैं, नजर, नमाज, नजरिया, सब कुछ बदल गया, वस्तु पहचान हुआ तो मेरा खुदा बदल गया, वस्तु पहचान हुआ तो आगम निगम शास्त्र पुराण की बात क्या है, मेरा भगवान बदल गया। तो ये सब तत्वों का पसारा है, इसी को अवतारानंद जी ने लिखा है एक जगह, सब लोग सनातन ध्यान इधर भी धरना, कोई भूल के हर बीज ग्रहण त्याग मत करना, है पांच तत्व की बनी हुई सब वस्तु, उसमें से ही निकला है मैं वह और तू, दूजे की वस्तु कहे नर अपना कैसा तू, लो भार लदा जो खर तू, बोले जिम्मेदारी जैसे गधा अपने ऊपर लाद के चलता है ना, ऐसे ही हम लोग भी मन मन संप्रदाय मेरा तेरा अपना पराया ऐसे लेकर के गधे की भांति चल रहे हैं, क्योंकि जिसको अकल नहीं है, अकल नहीं है तो उसका नाम क्या है, अकलमंद का नाम क्या है, आला जो है, आला आला कहते हैं परमात्मा को, सबसे निराला है और नहीं जाने को सब गधा है। तो मूढ़ भी यही है, मूर्ख भी यही है, अज्ञानी भी यही है और ज्ञानी भी यही है। तो ये बात को समझना पड़ता है, ऐसे भगवान ने मायानंद चेतन जी ने आकर के हमको आपको सबको बता दिए प्यारे सज्जनों, और बहुत बढ़िया बात बता दिए, सामने वस्तु रख करके अपने भूल भुलैया को भी सुधारा। देखो विश्व ही परमात्मा है, सतयुग में कहते थे, इसमें बताओ ये इसमें मिठास जो है, मिश्री में मिठास कहाँ पर है, हम कहें आपको कि मिश्री में मिठास कहाँ पर है, अंदर है कि बाहर है, ये मिश्री ही मिठास है और मिठास ही मिश्री, अलग करते नहीं बनता, जैसे नींबू में खट्टा है कि नींबू ही खट्टा है, जल्दी से उत्तर दो, नींबू में खट्टा है कि नींबू ही खट्टा है, नींबू ही खट्टा है, तो विश्व में परमात्मा है कि विश्व ही परमात्मा, विश्व परमात्मा, तो काय को ढूंढने को जाएंगे, कहीं तपस्या करने को आप नहीं आना, काय को नखरा करेंगे, काय को आंख
को बंट मत करके समाधि लगा के बैठेंगे, ये दिखावा है, भगवान ने उसको दूर कर दिया। सतयुग सो विश्व ईश्वर है अस जाने, और विश्व में ईश अस्त्रेता मन में आने, ही में और में अंतर है। मैं कहो तो अंदर मिश्री, मिश्री के अंदर मीठा तो ढूंढो अंदर जाकर, अरे अंदर बाहर मिश्री मिश्री है। संत महात्मा कहते हैं गुड़ सा मीठा है भगवान, अंदर बाहर एक समान, चारों तरफ वही वही है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान ने बता दिया एवरीथिंग इज गॉड, ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल, वन इज ऑल, ऑल इज वन, ऐसा अंग्रेजी में कहा के बताया। यूनिवर्स इज गॉड, ये विश्व ही परमात्मा है, विश्व ही ईश्वर है। विश्व को खोजो मत, विश्व के पहचान कराने वाले को खोजो, उसमें आपका कल्याण होगा। विश्व छिपा नहीं है, विश्व को कोई बात का डर नहीं है। तो आज सतयुग प्रवर्तक भगवान नारायण श्री मायानंद चैतन्य जी इस विद्या को पुनर्जीवित किया, गीता में जो दिव्य चक्षु थे अपने सद्गुरु से प्राप्त करके और उसका बीजारोपण करते हुए वृक्ष बनाया, और मनन चिंतन करके सर्वांग योग दे करके हमको आपको अत्यंत सरल किया, और सरल करके लक्ष्य करा दिया कि जो भाग्यवान होगा वो सद्गुरु के दरबार में पहुंचेगा, और वहां जाके अपना फैसला, अपना प्रश्न करके, फैसला सुन के, निर्णय लेकर के और निर्भय होकर के जगत में विचरेगा। ऐसा सुंदर ज्ञान हमको आपको दिया परम आदरणीय परम पूज्य राकेशानंद जी चैतन्य विद्यापीठ विश्वनाथ विद्यापीठ ग्वालियर से आप पधारे हैं, आपके साथ में चार लोग आए हैं। हमारे यहाँ कार्यक्रम में आप आए थे, कार्यक्रम से आकर के आपने यहाँ पर रुकने का विचार किया और कहे वहाँ भी सत्संग करेंगे। नया साल है, सब लोग नूतन वर्ष में 31st मनाते हैं, क्या पी के? शराब पी के अपने आत्मा को खराब करते हैं। तो हम शराब ना पी करके क्या पियेंगे? सुनो संतो गीता अमृत, अमृत पी करके 24 को बिताएंगे, हाँ, और विज्ञान शाला में जा करके भगवान के शरण में पहुंच करके उनके सिद्धांत को ग्रहण करेंगे। अब चित्र पत्र में अपने फंसेंगे, अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, एक चित्र नहीं है, विचित्र है, अति विचित्र है। तो वो भाव को लेकर के स्वामी जी आए और उनके कृपा से इतना सुंदर, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री भी आए थे, अभी नया नया मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव जी है ना, और उसी बीच में हम लोग भी आ गए, और भगवान की कृपा देखो चक्का जाम भी हो गया, पेट्रोल भी बंद हो गया, तो सत्संग करने का अवसर मिल गया। और विज्ञान शाला को, जैसे हमारे भारत देश को अभी अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, वैसे ही हमारे विज्ञान शाला को गणेश भैया, ये पुराना दिव्य चक्षुवान है, इन्होंने हमको देखते बराबर पहचान लिया, आपका नाम वैकुंठ लाल है ना जी, ऐसे करके पूछा, क्योंकि मैं उस समय छोटे छोटे में थे तो नागपुर के मंडली आती थी, उस समय मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मंडली देख करके, वहां की टोली बहुत अच्छी थी, शुरू से ही अच्छी है ना, तो पहचान लिया, तो पुराना पहचान तरोताजा हो गया है ना। यही मंच पर आकर के बोलते थे हम सब एक परिवार है, विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है। तो देखो ये संयोग की बात है, कहते ना परमात्मा के चर्चा करने वाले, ज्ञान बताने वाले कहीं ना कहीं जा करके बिल्कुल उनका मिलन होगा। तो यहाँ दरबार में आ गए, पहुंच गए, पुनः एक बार हम आप सब लोग आनंद में विभोरित हो रहे हैं। तो मैं परम पूज्य स्वामी राकेशानंद चेतन जी से भी मैं 5 मिनट के लिए आभार व्यक्त करेंगे, आकर के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये लोग सब पहुंचे हुए हस्ती हैं, सब करके थक करके बैठ करके।